हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं अपने YouTube चैनल पे आज कुछ नया कंटेंट लेके आई हूँ। तो आप लोग को पता होगा कि कल 5 नवंबर को नेट JNF का रिजल्ट आया हुआ था। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहती हूँ जिसका कल के नेट रिजल्ट में उनका नेट क्वालिफाई हुआ है। तो आइए उन्हीं से मिलते हैं डायरेक्ट। तो मिलिए इनसे। इनका नाम है अमित कुमार और इनका कल के नेट रिजल्ट में नेट क्वालिफाई हुआ है। इनसे पहले भी इनका पिछले साल फर्स्ट अटेम्प्ट था नेट क्वालिफाई में, उसमें भी इसने नेट क्वालिफाई किया है। तो आगे चलिए इन्हीं से पूछते हैं। तो हेलो अमित, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए। पहले बोलना चाहिए था आपको ये चीज़। अच्छा, कोई नहीं। तो आप बताइए, इस सफलता का श्रेय किसको देना चाह रहे हैं? सफलता का श्रेय सबसे पहले तो हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आप जब भी हम एग्जाम में जाते हैं, वॉक लाते हैं, अदरक वाली चाय पिलाते हैं, आई थिंक ये बहुत काम आता है। और दूसरा से हम अपने नाना जी को देना चाहते हैं, क्योंकि उनका एस्पिरेशन था कि मेरा जो नाती है वो बड़ा करे। तो आप कुछ बताइए शॉर्ट में कि कैसे आपने क्वालिफाई किया, क्या किया जिससे हमारे दर्शक को कुछ मदद मिल पाए? रशनली इस एग्जाम के लिए मेरा कोई स्ट्रेटजी नहीं था, हम जनरली मुंह उठा के गए एग्जाम की और हो गया। तो हम कुछ सही सलाह को नहीं देना चाहेंगे, बस ये बोलना चाहेंगे कि जो सिलेबस है उसको पढ़िए और एग्जाम दीजिए, आई थिंक हो जाएगा। बहुत टफ एग्जाम नहीं है। कुछ बताना चाहेंगे इसमें क्या पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या नेट का सिलेबस क्या? पेपर वन में आपका मेनली मैथ रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन रहता है और टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है। और पेपर टू में आपका पॉलिटी रहता है, इंटरनेशनल रिलेशन रहता है, पॉलिटिकल थ्योरी रहता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहता है और वेस्टर्न थिंकर रहता है। तो ये जो भी मास्टर्स का सिलेबस है ऑलमोस्ट यही सिलेबस होता है इसका। तो अब आगे आपका क्या है, JNF के लिए क्या व्यू है आपका? तो JNF के लिए व्यू यही है कि JNF हमको पढ़ के देना पड़ेगा, ऐसे JNF नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। भी आप सोच रहे हैं? सोच नहीं रहे, बिल्कुल सोच रहे हैं, क्योंकि JNF करना ही है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जाम होगा तो थोड़ा सा पढ़ के कोशिश करेंगे कि JNF हो जाए। कुछ दो लाइन जो आप नेट जो भी इस बार नेट कुछ नंबर से रह गया है उसके लिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जिनका भी नेट नहीं हुआ है, बस हम उनको यही कहना चाहेंगे कि गर्म पानी पीजिए, एक कप चाय और अगले साल के लिए भी जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा बात नहीं है नेट नहीं होना, नेट होके भी कुछ नहीं होने वाला है, फोकस ऑन JNF बस। चलिए, थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपसे हम डेली मिलते हैं, डेली अच्छा ही लगता है।